है, क्षमा महा ऐश्वर्य सृष्टि का, क्षमा मनुष्य का अभय दान है, क्षमा मनुष्य का अभय दान है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण है। क्षमा रखना यानी किसी के प्रति मन में किसी प्रकार का द्वेष तनाव नहीं रखना है। क्षमा जैन धर्म का हृदय है। क्षमा देने वाला क्रोध देने वालों से भी महान होता है। क्षमा क्या है? क्रोध की उत्पत्ति होने पर भी क्रोध का न आना ही उत्तम क्षमा है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा है। क्षमा मुक्ति मार्ग की सीढ़ी है। क्षमा ही अहिंसा व अपरिग्रह है। क्षमा में अपनत्व है, संवेदना है। जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वो उस पुल को तोड़ देता है जिसे उसे खुद को पार करना था, क्योंकि हर व्यक्ति को क्षमा पाने की आवश्यकता होती है। जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें धोखा देता है, तो मन करता है हम उन्हें क्षमा क्यों करें। बात पकड़ कर रखते हैं, उसको बार बार दोहराना दर्द हमें ही देता है, उन्हें नहीं। हमें क्षमा उन्हें नहीं, हमें क्षमा उनके लिए नहीं, अपने सुख के लिए करना है। उनका व्यवहार चित्त पर रखने से, औरों को सुनाने से हमारे संस्कार व सेहत दोनों पर असर पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से कोई बड़ा दान नहीं। क्षमा धर्म है, क्षमा कर्म है, क्षमा दान है, क्षमा समाधान है। क्षमा ही परमात्मा का प्रतिरूप है, क्षमा अनमोल है, क्षमा परलोक है, क्षमा ही मोक्ष का द्वार है, क्षमा ही मोक्ष का द्वार है। जय जिनेंद्र। मैं कमला चौधरी, महिला प्रमुख, संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल, राजस्थान। किसी ने सही कहा कि क्रोध को प्रेम में बहा देना कृष्ण बन जाओगे, क्रोध को ध्यान में बहा देना बुद्ध बन जाओगे, क्रोध को करुणा में बहा देना महावीर बन जाओगे, क्रोध को भक्ति में बहा देना भगवान बन जाओगे। पूज्य अम्बाला जी महाराज साहब के जीवन की घटना, किसी गांव की, जहां उन्होंने अपनी क्षमाशीलता का अनोखा उदाहरण पेश किया। गांव वालों के मुखारविंद से सुना हुआ ये सत्य वाक्य सुनेंगे हल्दीघाटी खमनौर से भाई संजय जी मंडोत को, उनकी सत्य घटना आप भी अवश्य सुनिए। और गुरु के आशीर्वाद के जितने भी एपिसोड इस चैनल पर आ रहे हैं, आप सभी एक एक बार उसका अवलोकन अवश्य करें, और आप भी गुरु की भक्ति में इतने तन्मय हो जाएं कि आपको भी भगवान बनने से कोई भी रोक नहीं सके। इस भाव में नहीं तो किसी और भाव में सही, लेकिन बनेंगे अवश्य। जन जन की आस्था के अमर केंद्र पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बाला जी महाराज साहब की 170वीं जन्म जयंती पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ खमनौर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदनबाला महिला मंडल संयुक्त मेवाड़ के तत्वाधान में एवं चंदनबाला महिला मंडल अम्बेश के सानिध्य में इस प्रतियोगिता में गुरुदेव श्री अम्बाला जी महाराज साहब के जीवन प्रसंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वो प्रसंग है जो हमें आज के समय में, जब हर व्यक्ति क्रोध की ओर अग्रसर है, क्रोधी है, जीवन में क्रोध हो करता है, इससे क्रोध को कैसे हम खत्म करें, कैसे हम क्षमापना की ओर बढ़ें, ये प्रसंग इसीलिए मैं इस प्रसंग को सबके सामने रखना चाहता हूँ। और ये प्रसंग है संवत 1988 का, जब गुरुदेव श्री का चातुर्मास बासोड़ा में हुआ। चातुर्मास के बाद पांव पांव चलते सूरज की भांति गुरुदेव अन्य क्षेत्रों को परसने के भाव से अग्रसर हुए। इसी दौरान निम्बाड़ा के पास में एक अन्य धर्म के लड़के ने गुरुदेव श्री अम्बाला जी महाराज साहब पर पत्थर फेंका, जिससे गुरुदेव श्री के सिर में चोट आई, खून निकल गए, पचेवड़ी पर खून बिखर गए और चारों तरफ एक तरीके से हाहाकार मच गया और सभी ने उस बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन हमारे क्षमा के देवता पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बाला जी महाराज साहब ने उसी समय कहा कि इस बच्चे का क्या कर रहे हो। सभी ने कहा कि गुरुदेव आपकी चोट आई, पहले चोट का इलाज कराना है। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, पहले आप ये बताओ इस बच्चे को क्यों पकड़ा है, इस बच्चे को छोड़ो। लोगों ने कहा कि इसने आपके साथ अपराध किया है, उसे पुलिस कार्रवाई के तहत हम बंद करवाना चाहते हैं। गुरुदेव श्री ने उसी समय श्रावकों को निर्देश दिया कि इसने मेरे साथ
चोट पहुंचाई है और इसको मैंने इसी समय क्षमा कर दिया है। मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं, इसको आज़ाद करो। और यदि आप इसे आज़ाद नहीं करते हैं तो जब तक ये आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। शायद ऐसा प्रसंग जीवन में कभी कभी सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे गुरुदेव का तो साक्षात है। इस तरीके से उन्होंने जिस लड़के ने उनके ऊपर पत्थर फेंका उसमें भी प्यार पैदा करने की शक्ति की, और उसके पूरे परिवार ने बाद में जैन धर्म को एक तरीके से स्वीकार किया। ये प्रसंग हमारे जीवन में भी आता है कि जब भी कोई आपके साथ क्रोधित रूप से क्रोध करता है उस समय में क्षमा भाव रखना। और महावीर के संदेश को वास्तविक रूप से गुरुदेव ने जीवन में आत्मसात किया। उनका पूरा जीवन सरलता और सादगी के साथ रहा। दिव्यमान जीवन और सरलता के साथ व्यक्तित्व जीने वाले श्री अम्बालाजी महाराज साहब के 170वीं जन्म जयंती पर उन्हें एक बार सभी को शुभकामनाएं, और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ चंदनवाला महिला मंडल अम्बेश का कि कोरोना महामारी में जब व्यक्ति सब तरीके से किसी प्रकार के उत्सव नहीं मना सक रहा है, उस दौर में भी इन्होंने प्रेरणा करके इस तरीका की ये प्रतियोगिता रखी है और उनके गुरुदेव के प्रसंगों को याद कराया है। मैं पुनः चंदनवाला महिला मंडल अम्बेश को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र।